बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड यू नो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में हम जो है वो कल्चर मीडिया को डिस्कस कर रहे थे, और हमने कल्चर मीडिया का बताया था कि वो एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन यूज फॉर द कल्टिवेशन और प्रोडक्शन ऑफ लिविंग सेल्स और बैक्टीरिया इस कॉल्ड कल्चर मीडिया। और कल्चर मीडिया को फिर हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज़ और एप्लीकेशन। तो काफ़ी टाइम बाद हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि प्रीवियसली हमने जब फिजिकल स्टेट पर हमने कहा था कि कुछ लिक्विड मीडिया होते हैं, कुछ सॉलिड मीडिया होते हैं और कुछ सेमी सॉलिड मीडिया होते हैं, और जो लिक्विड मीडिया है उनको हम ब्रॉथ भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास थे ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो हमने कहा था नेचुरल कल्चर मीडिया होते हैं, सिंथेटिक कल्चर मीडिया होते हैं और सेमी सिंथेटिक कल्चर मीडिया होते हैं। तो नेचुरल कल्चर मीडिया को मैंने कहा था, आपको बताया था कि जिनकी एग्जैक्ट कंपोनेंट या आप कह लो क्वांटिटी जो है वो जो उसमें ऐड होते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता। और सेमी सिंथेटिक में मैंने बताया था कि पार्शियली हमें पता होता है, यानी कुछ हमें पता होता है उसकी कंपोजिशन का और कुछ हमको उसकी कंपोजिशन का नहीं पता होता। और कुछ जो होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक, तो उनका हमको बिल्कुल मतलब आपको एग्जैक्ट पता होता है क्योंकि वो हम सिंथेटिकली खुद ही बना रहे होते हैं, तो उसका जो कंपोजिशन है सिंथेटिक मीडिया की वो हमें पता होती है। उसके बाद मैंने आपको जो लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज़ और एप्लीकेशन, तो उसमें जो है वो मैंने आपको बताया था कुछ मीडियाज रिगार्डिंग एप्लीकेशन। बेसल मीडिया हमने पढ़ा था और सेलेक्टिव मीडिया थोड़ा सा देख लिया था, इनरिच्ड मीडिया देखा था और डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और आई थिंक एनएरोबिक मीडिया जो है वो हमने देखा था। तो इसमें जो हमने वन बाय वन बेसल मीडिया में हमने कहा था कि ये सिंपल से मीडिया होते हैं जो सपोर्ट करते हैं नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को, यानी हमने कहा था कि जो बैक्टीरिया के जिनको ज़्यादा आप कह लो कि स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की स्पेशल लुक आफ्टर की इतनी या उसकी इतनी हमें कल्टीवेट करने के लिए कंडीशंस को इतना फॉलो नहीं करना पड़ता, वो होते हैं नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, उनके लिए जो है वो हम बेसल मीडिया यूज़ करते हैं। फिर इनरिच्ड मीडिया थे, हमने कहा था कि अगर हम बेसल मीडिया के अंदर ही ब्लड ऐड कर दें, सीरम ऐड कर दें या एग योक ऐड कर दें तो वही बेसल मीडिया फिर इनरिच्ड मीडिया कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने एडिशन कर दी है किसी और चीज़ की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड की, तो हमने ऐड कर दिया उसमें, अब उसमें वो न्यूट्रिएंट्स भी आ गए हैं जो एग में या सॉरी ब्लड में मौजूद हैं। तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी चॉकलेट एगर की और ब्लड एगर की। उसके बाद हमारे पास होते हैं सेलेक्टिव मीडिया, जिसमें मैंने कहा था कि हम इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को इनहिबिट करा रहे होते हैं। तो उसमें जो है वो हमने देख लिया था सेलेक्टिव मीडिया में, और उसकी एग्जांपल जैसे कि हम देख लेते हैं मैनिटोल साल्ट एगर, वो भी एक एग्जांपल है सेलेक्टिव मीडिया की। उसके बाद हमने पढ़ लिया था ट्रांसपोर्ट मीडिया, मैंने आपको बताया था कि कुछ मीडिया को हम सैंपल को बैक्टीरिया के ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इस्तेमाल करा रहे होते हैं, तो हमने उनको उनकी ग्रोथ को फैसिलिटेट नहीं करना होता, लेकिन हमने उनकी सेफली जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट है उसको देखना होता है कि वो केयरफुली हो जाए हमारी, और उसमें हमने उसकी जो है ना उनको लिविंग रखना होता है माइक्रोब्स को। तो उसके लिए जो मीडिया हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट मीडिया, फॉर एग्जांपल अल्कलाइन पेप्टोन वाटर मीडियम। और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अब हमने डिस्कस करना है टेक्निक्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल कल्चर। अब तक आपको कल्चर का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कल्चर क्या होता है, मीडिया क्या होता है, एगर मीडिया क्या होता है, तो अब उसी से रेलेवेंट एक हम जो टेक्निक्स पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल कल्चर,
ये जो है वो हमारा करंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको मैं एक एक वर्ड का मतलब समझा देती हूँ। प्योर मतलब बिल्कुल, यानी एक ही कल्चर हो, उसमें एक टाइप का बैक्टीरिया हो। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरिया का नाम होता है एसर्शिया कोलाए, तो वही एसर्शिया कोलाए उसको आपने अलग करना है। एक आपके पास सैंपल आया है, उसमें एक से ज़्यादा बैक्टीरिया है। फॉर एग्जांपल, उसमें एसर्शिया कोलाए भी है, उसमें स्ट्रेफलोकोकस एरियस भी है, ये एक और बैक्टीरिया का नाम है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई भी हैं, ये एक और बैक्टीरिया का नाम है। लेकिन आपको चाहिए सिर्फ एसर्शिया कोलाए, आपने उसको उन सैंपल में से निकालना है। तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, आज हमने ये डिस्कस करना है। आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब सेपरेट आउट करना। तो सेपरेट आउट करना, और माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम किसी एक नेचुरल फ्लोरा से, या आप कह लो कि किसी भी फ्लोरा, मतलब अगर आपको लैब में हमारे पास एक सैंपल आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उनमें से किसी एक स्ट्रेन को हम आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे आइसोलेशन का। जैसे आइसोलेशन आप आजकल सुन रहे हो उसके कोरोना के सिनेरियो में, कि वो आइसोलेट हो गया है। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो रहा है तो वो आइसोलेट हो रहा है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अकेला हो जाना, यानी बिल्कुल सेपरेट, वो हर सबसे हटकर अलग प्लेस पे रहने लग जाता है। तो यहाँ पे भी अब थोड़ा सा आप उसको कंबाइन करें कि आइसोलेट करना मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइप को बैक्टीरिया के आपने पूरे सैंपल से सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। इसको हम कहेंगे आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल कल्चर। कल्चर का मैंने आपको बता दिया था, कल्चर किसे कहते हैं, कल्चर कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कल्टीवेट करा रहे होते हैं हम लैब में, उनको हम क्या कह रहे थे, कल्चर। तो किसी एक कल्चर को हमने सेपरेट करना है, उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो हम वन बाय वन उन टेक्निक्स, होपफुली ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, आइसोलेशन होती क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोलेशन। तो आप ये नोट डाउन कर लो नोट्स में अपने या अपने रजिस्टर्स में, कि इन माइक्रोबायोलॉजी आइसोलेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ अ स्ट्रेन फ्रॉम अ नेचुरल मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ द लिविंग माइक्रोब्स एज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट में मौजूद हो, लैब में सैंपल मौजूद हो, उसमें से आपने एक पॉपुलेशन को, एक टाइप के बैक्टीरिया को उसको अलहदा कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्लोरा या फिर सॉइल फ्लोरा में से। अब फ्लोरा का एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, तो स्टूडेंट्स कलेक्टिवली बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर किसी एक जगह पर रह रहे हो, किसी एक होस्ट में रह रहे हो, किसी एक प्लेस पर रह रहे हो, जैसे मैंने कहा वाटर, यानी वाटर में रह रहे हो या सॉइल या मट्टी में रह रहे हो, कलेक्टिवली हम उनको फ्लोरा कह देते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एट अ प्लेस एट इन अ होस्ट, उसको हम फ्लोरा कह देते हैं। तो हम उस फ्लोरा में से किसी एक टाइप को सेपरेट करेंगे। कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम आइसोलेट कर सकते हैं प्योर बैक्टीरियल कल्चर को? पहली है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। ये वर्ड साथ साथ आपने प्रोनाउंस करने हैं, स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। दूसरी है हमारे पास पोर प्लेट टेक्निक। थर्ड है इनरिच्ड कल्चर टेक्निक। फोर्थ है हमारे पास सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। फिर है सिंगल सेल डाइल्यूशन टेक्निक और रोल ट्यूब टेक्निक। ये सारी टेक्निक्स हैं जो हम आइसोलेशन के लिए बैक्टीरियल कल्चर का प्योर को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रीक का मतलब बता दूं कि स्ट्रीक का मतलब होता क्या है। स्ट्रीक का मतलब होता है एक लाइन या एक मार्क। इसका आप थोड़ा सा मतलब समझेंगे, स्ट्रीक का मतलब होता है लाइन या मार्क। प्लेट मतलब किसी प्लेट पे हमने लाइन या मार्क करना है। किसका करना है? डेफिनेटली बैक्टीरियल कल्चर का करना है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रीक प्लेट टेक्निक एक्चुअली होती क्या है, कि हम इसमें मार्क कर रहे होते हैं अपना कल्चर ऑन द प्लेट। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल कल्चर स्ट्रीकिंग अलाउज बैक्टीरिया टू रिप्रोड्यूस ऑन अ कल्चर मीडियम इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, लैब में बैक्टीरियल कल्चर को स्ट्रीक कराते हैं पेट्री डिशेस के ऊपर। अच्छा, आपको जब आप लोग फिजिकल क्लासेस में, इंशाल्लाह आपकी लैब्स का काम स्टार्ट होगा,
तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जो है वो सबसे पहले प्रैक्टिकल्स आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर के ही करें, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए कि पेट्री डिश क्या होती है। आपको वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सारी ऑपरेटर्स जो है वो दिखा दिए जाएँ। तो इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि बैक्टीरियल कल्चर जो हमने प्रिपेयर किया हुआ होता है, उसको हम एक ट्रांसफ़र लूप से आप कह लो शिफ्ट लेते हैं, थोड़ा सा उसका लूप फुल करते हैं, और फिर जो है वो एगर प्लेट हमारे पास मौजूद होती है जिसके ऊपर एगर जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, उसके ऊपर हम उस ट्रांसफ़र लूप से स्ट्रिकिंग करते हैं कल्चर की, और फिर उसको इनक्यूबेट कर देते हैं इनक्यूबेटर के अंदर, और वहाँ से जो है वो फिर बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं वो हम बनती हैं, और हम उनको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या नेकेड आई से भी क्लियर होती हैं बाज़ औक़ात। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व स्प्रेडिंग बैक्टीरिया अक्रॉस ऑन एगर प्लेट। एगर का मैंने आपको बताया कि एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, एगर प्लेट के ऊपर हम स्प्रेड करते हैं बैक्टीरिया को, फैला देते हैं, एंड अलाउइंग द टू इनक्यूबेट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, और हम उसको अलाउ करते हैं कि वो इनक्यूबेट करें हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इनक्यूबेट एक प्री हीटेड सा चैम्बर होता है इनक्यूबेटर, और वो भी लैब में आपके मौजूद है, आपको दिखाया जाएगा। उसके अंदर जब हम ये बना लेंगे ना अपना कल्चर के ऊपर, उसको स्ट्रिकिंग कर देंगे, उसके बाद हम उसको ना इनक्यूबेट कर देंगे अपने इनक्यूबेटर के अंदर, और नेक्स्ट डे आके उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो वो यही कह रहा है कि हम उसको इनक्यूबेट कर देते हैं सर्टेन टेम्परेचर पर एक टाइम के लिए। बैक्टीरियल स्ट्रिकिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट प्योर बैक्टीरियल कॉलोनीज फ्रॉम आ मिक्स्ड पॉपुलेशन। मिक्स्ड पॉपुलेशन आपके पास है, एक सैंपल आपके पास है, उसमें से अपना डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिज़ायर्ड बैक्टीरियल कल्चर आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो स्ट्रिक प्लेट टेक्निक से। कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैंपल में हमने ऐसे बैक्टीरिया आइसोलेट करने हैं जो हाई टेम्परेचर पर रेजिस्ट करते हों, या आप कह लो थर्मोफाइल हों, तो हम क्या करेंगे अपने कल्चर को थोड़ा सा हीट कर देंगे। हीट करने से क्या होगा, वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा हीट टॉलरेट नहीं कर सकते या साइक्रोफाइल होते हैं, उनकी डेथ हो जाएगी, वो किल हो जाएंगे, और जो सर्वाइव करेगा वो वही करेगा ना जो वो ज़्यादा हीट को, मतलब आप कह लो कि वो कर सकता है टॉलरेट। इस तरीके से हम डिफरेंट टेक्निक्स लगा कर अपना जो एक डिज़ायर्ड कल्चर है उसको आइसोलेट कर लेंगे। तो स्ट्रिक प्लेट मेथड में आपको क्या समझ में आया कि मैं आपको इसके पहले डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो इसके हाथ में है ना, ये जो हैंड में आपको नज़र आ रहा है, ये होता है ट्रांसफ़र लूप। और इसको ना हम पहले थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं कि ये रेड हॉट हो जाए, इसका जो लूप है ना, ये जो आगे इसका सर्कल में होता है, ये रेड हॉट हो जाए। उसके बाद हम करते हैं कि अपना जो हमारे पास सैंपल होता है बैक्टीरियल कल्चर का, उसमें से उसको इसको लूप को फुल करके, और फिर अगर ये आपको प्लेट नज़र आ रही है, इसके ऊपर इस तरह से ना इसकी स्ट्रिकिंग करते हैं, यानी लाइंस बनाते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रही है, एक इस तरह से इस एंगल में बनाई हुई है, एक इस तरह से बनाई हुई है, स्ट्रिकिंग होती है, मार्क किया हुआ है ना प्लेट के ऊपर, ये देखें लकीरें बनाई हुई हैं ये। और ये करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए मतलब सॉलिडिफाई होके ना ये, और फिर हम उसको रख देते हैं इनक्यूबेटर में। इनक्यूबेटर के अंदर ना इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो इन जो स्ट्रिकिंग पे जो बैक्टीरिया का सैंपल है उसको ग्रो कराता है। तो बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में ग्रो करते हैं, और हमें उनकी इस तरह से कॉलोनीज़ जो है वो नज़र आती हैं, फिर हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं इस तरीके से। ये देखें हर एक का अलग अलग कॉलोनी है, ये देखें अलग मतलब, तो ये हम कॉलोनीज़ इनकी ऑब्ज़र्व करते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक प्लेट। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिक प्लेट मेथड होता क्या है। तो इसको दोबारा मैं रीड कर रही हूँ। बैक्टीरियल कल्चर स्ट्रिकिंग अलाउ बैक्टीरिया टू रिप्रोड्यूस ऑन अ कल्चर मीडियम इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। द प्रोसेस इन्वॉल्व स्प्रेडिंग बैक्टीरिया अक्रॉस ऑन एगर प्लेट एंड अलाउइंग द मीडिया टू इनक्यूबेट एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैक्टीरियल स्ट्रिकिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट प्योर बैक्टीरियल कॉलोनीज फ्रॉम आ मिक्स्ड पॉपुलेशन। तो अभी अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज आपको होंगी बिकॉज आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये और अच्छे से, अभी आपने सिर्फ थ्योरी के हिसाब से इसको याद कर लेना है, पढ़ लेना है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो और यहाँ पर जो थोड़ा सा है ना अलाउइंग, ये अलाउइंग के बाद ये दा है, ये दा नहीं है, ये डैम है।
थोड़ी सी राइटिंग इशू हो गया, यहाँ पर डैम आएगा एंड अलाउइंग डैम टू इनक्यूबेट एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन दिस मेथड अ बैक्टीरियल स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एगर मीडियम. एगर मीडियम के ऊपर जो है वो हमने बैक्टीरियल स्पेसिमेन को प्लेस करना है. जैसे ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्किन कलर का, ये एक एगर मीडियम ही इन्होंने शो किया हुआ है. इसके ऊपर आप देखो कि हम बैक्टीरियल कल्चर को क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, स्ट्रीकिंग कर रहे हैं, उसकी मार्किंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफर लूप. और दिस स्पेसिमेन इज स्ट्रीक्ड ऑन द सर्फेस इन डिफरेंट मैनर्स. ये देखें डिफरेंट मैनर्स, एक तो ये वाला मैनर है ना कि आपने डिफरेंट एक इस तरह से बना दिया है, एक आपने ये वाला पैटर्न अडॉप्ट किया, एक ये वाला पैटर्न हमने अडॉप्ट किया और एक ये वाला पैटर्न हमने अडॉप्ट किया. और ये देखें, ये होती है कंटिन्यूस स्ट्रीकिंग. आपने एक जगह अपना सैंपल लगाना है यहाँ पर और उसी को कंटिन्यू करते हुए ना ट्रांसफर लूप से इसको ऐसे कंटिन्यूसली स्ट्रीकिंग करती जानी है. स्ट्रीकिंग का क्या मतलब होगा, मार्किंग करती जानी है, लकीर बनाती जानी है. ये देखें एंगल वो आपको दिखा रहे हैं, यानी पहले अपना राइट साइड पे लाना है, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, इस तरह से एरो के साथ जिस तरह एरो बन रहा है इस तरह से आपने बनाना है. और फिर जो है वो कॉलोनी बनेगी, कॉलोनी को हमने ऑब्जर्व करना है. तो ये होता है क्वाड्रेंट स्ट्रीक. ये देखें चार, ये चार उसमें बनाई हुई है ना. ये देखें ये वाली जो है एक दो, ये वाली तीन और ये वाली चार, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्ट्रीक. ये जो चार उसमें होती है, ये देखें यहाँ पर भी वन, ये वाली टू, ये थ्री और ये फोर. और आप इसको देखें तो ये कंटिन्यूस स्ट्रीकिंग है ये वाली. और ये वाली होती है रेडियंट स्ट्रीक, यानी एक ही उसे मज़ीद स्ट्राइक स्ट्रीक जो आपने स्ट्रीकिंग है वो रेडिएट करनी है. मतलब हमने रेडिएट का मतलब होता है निकल रही हैं, एमिट हो रही हैं. देखें यहाँ से इस तरफ जा रही है, इस तरफ ये इस बेसिक यहाँ पर आपने लगानी है, एक मार्क करना है लूप अपना फिल करके ना, वो यहाँ पर लगाएंगे हम एगर मीडियम में और उसी से हमने जो है ना एक लाइन्स जो है ना या मार्किंग्स उसको बनानी है. तो ये हो गया रेडिएंट स्ट्रीक, ये स्ट्रीक हमने निकालनी है. और फिर जो है वो बनेंगे कल्चर, तो हमें जो है वो नज़र आएंगे, उनकी कॉलोनीज जो है वो हमको अच्छे से क्लियर होंगी. तो हम किसी भी इन्फेक्शंस के उसको इन्फेक्शियस आप कह लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस वे से जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं. होपफुली ये जो पोर प्लेट मेथड पे बढ़ने से पहले, ये जो आपको हमने स्ट्रीक प्लेट मेथड पढ़ा है इसको हमें समझ में आ गया होगा कि इसमें हम स्ट्रीकिंग करते हैं. किसकी स्ट्रीकिंग करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर की. और ये जो हमारे पास प्लेट होती है उसके ऊपर क्या मौजूद होता है, एगर मीडियम. वो एगर मीडियम क्या करता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट कराता है. तो जब हम इनक्यूबेटर में रख देते हैं अपना एगर मीडियम जिसके ऊपर स्ट्रीकिंग हुई भी होती है बैक्टीरियल कल्चर की, तो वो ग्रो करता है. उस इनक्यूबेटर में उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, गैशियस कंटेंट मिलता है, तो वो अच्छे से ग्रो करता है. और फिर जो आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी कॉलोनीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बनी हुई होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड. अब है हमारे पास पोर प्लेट टेक्निक. पोर प्लेट टेक्निक में क्या होता है कि हम पोर करा रहे होते हैं प्लेट के ऊपर. उसमें हमने ये देखा था कि हमने लूप लिया था जो फुल था ना मीडियम, उससे बैक्टीरियल कल्चर से. इसमें हमने पोर प्लेट टेक्निक में हमने तमाम जो ओरिजिनल सैंपल ऑफ बैक्टीरिया है इस टू बी डाइल्यूटेड टू गेट वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज. इसका मैं आपको पहले डायग्राम से अच्छे से क्लियर करवा दूं. इसमें यह होता है, इसमें कुछ ये होता है कि मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ. पोर प्लेट मेथड के अंदर ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कल्चर, मतलब हमारे पास एक ब्रॉथ मीडियम प्रिपेयर होता है. ब्रॉथ मीडियम क्या होता है, लिक्विड मीडिया जो हमने कहा था जिसमें हम ग्रो कराते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो वो लिक्विड अगर हो तो उसको हम ब्रॉथ भी कह देते हैं. ठीक है, उस ब्रॉथ में आपने बैक्टीरिया का सैंपल लिया और उसमें जो है ना 1 ml उस सैंपल को आपने डाल देना है. 1 ml क्या है हमारे पास, अपना कल्चर है बैक्टीरिया का और उसको हमने डाल दिया. हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें 10 ml जो है वो हमारे पास क्या है, ब्रॉथ मीडियम है. उसमें हमने डाल दिया अपना सैंपल बैक्टीरिया का, उसको मिक्स कर लिया. उसके बाद क्या किया, इसमें से दो आपने लूप फुल लेने हैं,
इस मटेरियल के, इस मीडियम के, और उसको 1 ml, मतलब आपने इसको लेके ना 2 ml, आप ब्रॉथ कह लो या 1 ml कह लो, वो इतना ही बन जाएगा। उसको आपने एक और टेस्ट ट्यूब में डालना है और बाकी उसके अंदर आपने डाल देना है ब्रॉथ। यानी आप समझ लें, यानी 1 ml हमने यहाँ से ले लिया और बाकी 9 ml हमने डाल दिया इसमें ब्रॉथ। फिर हमने यहाँ से सैंपल लेना है और इसमें इसको अगले टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और बाकी उसमें डाल देना है ब्रॉथ। तो जब हमने पहले वाले टेस्ट ट्यूब में जो हमने सैंपल डाला है उसमें जो कंसंट्रेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो ज़्यादा होगी बनिस्बत दूसरे वाले के। क्योंकि आप ये वो मिसाल ले लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लीमू है और लीमू का जो जूस है वो हम एक पानी लेते हैं, पानी के अंदर वो लीमू का जूस डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे ग्लास से पानी लेते हैं और जो हमने जूस बनाया हुआ है उसमें से 2 चम्मच लेके और वो दूसरे वाले ग्लास में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें से 2 चम्मच लेके ना और वो तीसरे ग्लास में डाल देते हैं। तो जैसे जैसे हम ग्लास बढ़ाते जाएंगे जो लीमू का जायका है या लीमू का आप कह लो मिकदार है, वो कम होती चली जाएगी ना हर ग्लास में। तो वही काम होता है बैक्टीरियल सैंपल का कि हम जो पहली टेस्ट ट्यूब में डालते हैं उसमें उसकी सैंपल की तादाद ज़्यादा, मिकदार ज़्यादा होती है। फिर हम जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं उसकी तादाद कम हो जाती है कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और इस तरह हम मज़ीद इसको कम करते चले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूशंस, हम इनकी डाइल्यूशंस बना रहे हैं ना कल्चर की। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो मिकदार है कल्चर की, बैक्टीरिया की, सैंपल की, वो कम होगी। तो इसका जब आपको पता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट की मिकदार जो है वो क्या हो, कम हो, और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आपने कंसीडर करना है कि जो बैक्टीरियल कल्चर है वो सॉल्यूट है और जो ब्रॉथ है हमारा वो सॉल्वेंट है। तो वो सॉल्वेंट ज़्यादा होता चला जा रहा है और बैक्टीरियल कल्चर जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो जो सॉल्यूशंस है हमारा वो क्या होता चला जा रहा है, डाइल्यूट होता चला जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे डाइल्यूशंस। वो बनाने के बाद हमने क्या करना है कि वो जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें जो हमारा सैंपल बना हुआ है उसमें मीडियम भी मौजूद है, उसको हमने डाल देना है अपनी प्लेट के ऊपर, यानी पेट्री डिश इसके ऊपर इस तरह पिपेट से डाल देना है। उसके बाद हमने जो है ना फर्दर उस पर स्टीराइल मीडियम ऐड करना है मिक्स विद द इनोक्यूलम। और इनोक्यूलम से क्या मुराद होता है, इनोक्यूलम स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक नया वर्ड है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेनिंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है ना ये जो इनोक्यूलम है, तो उस इनोक्यूलम और फिर मीडिया जो हमने डाला है जिसमें इसने ग्रो करना है वो डालेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है उसको सॉलिडिफाई तो होना है। सॉलिडिफाई होने के बाद आपने उसको इनक्यूबेट कर देना है और इनक्यूबेट के बाद फिर वही आपको जो है वो नज़र आएंगी कॉलोनीज ग्रो की हुई। तो ये और वो टेक्निक यहाँ वाले मरहले के बाद, इनक्यूबेशन के बाद वही कॉलोनीज नज़र आएंगी। तो वहाँ पर यहाँ पर जो आपको कॉलोनीज नज़र आएंगी स्टूडेंट्स, वो सरफेस पर भी नज़र आएंगी मीडिया के और सरफेस से नीचे भी नज़र आएंगी, यानी टॉप ऑफ द सरफेस भी नज़र आएंगी और सब सरफेस भी आपको नज़र आएंगी। तो उनको जो है ये देखिए, ये सरफेस की कॉलोनीज हैं जो नज़र आ रही हैं और कुछ नीचे होती हैं मीडिया के नीचे होंगे, उनको हम सब सरफेस कॉलोनीज कहेंगे। तो ये भी नज़र आती हैं। तो ये होता है पोर प्लेट मेथड, जिसमें हम प्लेट के अंदर जो अपना सैंपल हमने बनाया है उसको पोर करते हैं और फिर मीडिया डालते हैं अपना, और उसके ऊपर जो है वो ग्रो कर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं पोर प्लेट टेक्निक को, कि पोर प्लेट टेक्निक होती क्या है। ये वो टेक्निक होगी। इन दिस टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल सैंपल ऑफ बैक्टीरिया इज टू बी डाइल्यूटेड टू गेट वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको डाइल्यूट करते हैं इसमें, और फॉर दिस पर्पस वी टेक 3 ट्यूब्स। ट्यूब इज इनोक्यूलेटेड विद द 1 लूप फुल ऑफ द ओरिजिनल बैक्टीरियल सैंपल एंड उनको मिक्स किया जाता है। मैंने आपको बताया कि इनोक्यूलेट करना, उस इनोक्यूलेट करते हैं 1 लूप फुल ऑफ ओरिजिनल बैक्टीरियल सैंपल की और उसमें मिक्स कर देते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में। फिर 2 लूप लेते हैं हम उसी पहले वाले मिक्सचर में से और उसको मिक्स कर देते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डाल देते हैं बाकी। फिर दूसरी वाली बी में से लेते हैं 3 लूप मिक्सचर की और उनको ट्यूब सी में डाल के मिक्स कर देते हैं, और इस तरह से हमारी डाइल्यूशन जो है वो बन जाती है।
फिर क्या होता है, देन द कंटेंट ऑफ द ट्यूब सी आर पोर्ड इन टू अ पेट्री डिश, इसीलिए हम इसको पोर प्लेट टेक्निक कहते हैं। जो ट्यूब सी का कंटेंट है उनको हम पोर करते हैं पेट्री डिश में और अलाउ टू सॉलिडिफाई, और फिर हम उनको सॉलिडिफाई होने देते हैं और फिर हम उसको इनक्यूबेट कर देते हैं। और वेल सेपरेटेड कॉलोनीज जो है वो हमें मिलती हैं ऑन द सरफेस एज वेल एज अंडर द सरफेस ऑफ द मीडिया, जो हमारा मीडिया है उसके सरफेस पर भी मिलती है हमें कॉलोनीज, और जो है वो सरफेस से नीचे भी मिल रही होती हैं। तो ये आपके पास जो है वो इसकी एक डायग्राम आ गई थी, तो आपके नोट्स में जो है वो भी इस तरह से मेंशन है और डायग्राम भी बनी हुई है। ओरिजिनल सैंपल है, उसमें से भी हमने ले लेना है 9 ml, लेकिन इन्होंने ना वाटर डाल दिया है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर वाटर डाल दिया है और फिर इस तरह से डाइल्यूट करते गए और वाटर डालते गए हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास उसमें उन्होंने उसको सैंपल को लेके पेट्री डिश पे पोर कर दिया है, और उसके अंदर जो है वो हमने उसको सॉलिडिफाई होने दिया है, अपना एगर डाल के उसको सॉलिडिफाई होने दिया है, और उसके बाद जो है वो हम उसको इनक्यूबेट कर देंगे और हमारे पास कॉलोनीज जो है वो हमें मिल जाएंगी। तो ये होता है पोर प्लेट मेथड। इसके ना कुछ नुकसान भी होते हैं, पोर प्लेट मेथड इतना अच्छा मेथड नहीं होता जितना स्ट्रीक प्लेट मेथड हमारा अच्छा सा एक मेथड होता है। स्ट्रीक प्लेट मेथड के अंदर हम बैक्टीरियल की जो सैंपल है उसको इजीली स्ट्रीक कर देते हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा आपको मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता ये। इसमें तो हमें पहले डाइल्यूशंस बनानी पड़ती हैं, तो डाइल्यूशंस बनाने में हमें टाइम लगता है, और फिर हमें एक आपके लिए एक्सपर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्ट्रीक प्लेट मेथड जो है वो एक आराम से करने वाला मेथड है, उसमें कोई ज़्यादा एक्सपर्ट जो है ना ज़रूरत नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर महारत हो। लेकिन जो हमारे पास पोर प्लेट मेथड होता है इसमें इनोक्यूलम को लेना, डाइल्यूशंस बनाना, फिर टाइम पे सारा काम करना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और इसमें थोड़ी सी आप कह लो कि महारत भी चाहिए होती है। तो इसके नुकसान जो है वो आप नोट डाउन कर लें, ये आपको जो है ना इतने ईजी वे में कहीं लिखे नहीं मिलेंगे। क्या क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रैप्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ मीडियम व्हेन इट सॉलिडिफाइज, और सरफेस पे और सब सरफेस पे कॉलोनीज बन जाती हैं, और हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हम जो सब सरफेस जो नीचे कॉलोनी बनी है मीडिया के नीचे सब सरफेस पे, उसको हमारे लिए आइसोलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, महारत चाहिए होती है, और इसमें हमें ना टेम्परेचर मीडिया का ज़्यादा रखना पड़ता है। इस वाली टेक्निक में जो हमारा मीडिया होता है उसका हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आपको याद होगा जब मैं आपको बैक्टीरिया को क्लासीफाई करवा रही थी, कुछ साइक्रोफाइल्स होते हैं जो हीट ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, तो वो बैक्टीरिया जो हीट टॉलरेट नहीं कर सकते उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते इस वाले तरीके से, क्योंकि वो तो फिर सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, वो तो किल हो जाएंगे। तो ये वाली टेक्निक उन बैक्टीरिया के लिए सूटेबल नहीं होती। फिर हम ये टेक्निक्स यूज़ नहीं करते। तो ज़्यादा जो बेस्ट है, इजी है, और आप कह लो कि फास्ट है फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, वो कौन से वाली होती है, वो हमारे पास स्ट्रीक प्लेट मेथड जो है या स्ट्रीक प्लेट टेक्निक ज़्यादा बेस्ट होती है आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल कल्चर के लिए। तो आज जो आपके नोट्स में एक थर्ड है वो है हमारे पास इनरिच्ड कल्चर टेक्निक। तो उसमें जो है ना हम करते हैं एक इनरिचमेंट कल्चर मीडिया लेते हैं, और ये कल्चर जो है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ बैक्टीरिया को हम ग्रो करा रहे होते हैं, कुछ की ग्रोथ को इनहिबिट करा रहे होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक एसिड डाल देते हैं हम, जैसे कि वो कुछ बैक्टीरिया को तो ग्रो कराएगी लेकिन कुछ बैक्टीरिया को किल करवा देगी। तो वो जो है वो हम इस तरह की टेक्निक इनरिच्ड कल्चर टेक्निक्स में जो है वो यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेनिंग के हवाले से, उसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में जो मैंने आपको स्टेनिंग का बताया था, कुछ इसके अलावा थोड़ी बहुत स्टेनिंग को डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ तक जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि स्ट्रीक प्लेट टेक्निक क्या होती है और पोर प्लेट टेक्निक क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है
तो वो ज़रूर पूछ लेगा, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। और दूसरा, ये आपको अभी मतलब इतना हमें स्ट्रेस लेने की इतनी वो नहीं है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर तभी होगा जब हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने जस्ट इसको थ्योरी बेस समझना है, थ्योरी के हवाले से इसको याद कर लेना है, पढ़ लेना है। लैब में जब हम इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।